सहारा इंडिया को लेकर आज लाखों में भीड़ इकट्ठा रोड पर हुई और काफ़ी बड़ा रैली भुगतान को लेकर निकल रहा है, जो भुगतान कराने के लिए काफ़ी बड़ा रैली निकल रहा है, जिसमें माताएं बहनें और उनके साथ साथ काफ़ी सारे जेंट्स भी पहुंचे हुए हैं और रोड को पूरा जाम कर दिया गया है क्योंकि लाखों की भीड़ कम नहीं होती। सहारा इंडिया यानी कि सहारा इंडिया के मैनेजर सुब्रत राव, एक आदमी पूरे लाखों करोड़ों आदमी को हिलाकर रख दिया है, पैसा नहीं दे रहा है, बस भुगतान के नाम पर ये दोस्तों सबको लूट रहा है, चोर है सहारा इंडिया, ऐसे करके पूरा नारा लगाया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, और जितने भी नेता हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, मोदी योगी सरकार से सबसे निवेशक से दोस्तों जो भी है सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सारे निवेशकों का पैसा नहीं दिलवाते तो निवेशक आपका एक भी बात नहीं मानेंगे, ना निवेशक अगले बार आपको वोट देने कोई लोग जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ जितने निवेशक ये आपको दिखाई दे रहे हैं निकले हुए, ये सब लोग शपथ लिए हैं कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग का भुगतान नहीं हुआ तो शपथ लिए रहे हैं कि कोई भी सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अभी अभी जितने भी निवेशक हैं सब लोग शपथ लिए हैं। और दोस्तों ये जो लाखों की आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये दोस्तों सड़कों पर निकली है, सहारा इंडिया कंपनी के बाहर लगी हुई है। और दोस्तों इतना ज़्यादा हंगामा और लगभग तकरीबन 6 दिन तक चली है। और दोस्तों हम आपको बता दें इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था कि जहाँ पर सुब्रत राव के कार्यकर्ता को भी आना वहाँ पर नामुमकिन था, क्योंकि कार्यकर्ता भी जैसे ही आ रहे थे काफ़ी बड़ा हंगामा सामने आ जा रहा था, इसी को देख लिए हुए कार्यकर्ताओं को भी सामने नहीं लिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ हमारी वीडियो को समझ आएगा, तो समझ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपका साथ देते रहेंगे। और उसी के साथ हम आपको बता दें दोस्तों जो लोग शपथ लिए हैं और कहाँ पर लिए हैं दोस्तों वो भी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।